Okay, start ini. Okay, okay. Assalamualaikum दोस्तों, इस वक्त हम जो है कोहनूर टूर से उमरे के लिए आए हैं और हम मैं इस वक्त खड़ा हूँ कस्बे जो कस्बे ओहद के जो पहाड़ है उसके पस मंजर में आप देखें मस्जिद भी है। ये कस्बे ओहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है जिसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और इस शिकस्त फतह में जो होने वाली थी जीत होने वाली थी वो शिकस्त शामिल हुई थी और उसके पूरा पस मंजर है। पहली जंग में इस्लाम मुसलमानों ने बहुत बेइज्जत से लड़ा था और उसकी तैयारी के लिए फिर उसका बदला हासिल करने के लिए फारे मदीना ने तैयारी की और गज़वे ओहद वाक़ हुआ। गज़वे ओहद में 70 सहाबा किराम शहीद हुए और इस जंग में खालिद बिन वलीद जो इस्लाम के सिपे सालार हैं उन्होंने अपने बहादुरी हिकमत अमली और दूरअंदेशी से इस मुसलमानों की फतह को शिकस्त बदल दिया था। और ये कहा जाता है हकीकत तारीख में है कि जिस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद होते थे वो जंग कभी हार नहीं सकती थी। और ये बाद में आए में कि हजरत खालिद बिन वलीद का कोई ऐसा जिस्म नहीं था जिसमें उनको जख्म नहीं होते। तो मौत अगर आनी हो तो मैदान जंग में भी आती है, बिस्तर मर्ग में भी आती है, कहीं भी आती है। तो मौत और शिकस्त जो है अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों ये जो जंग आप मुसलमान हार गए थे उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आप ने कुछ सहाबा कराम को पहाड़ के दामन में खड़ा किया था ताकि वहाँ से अंदेशा था कि कोई आके हमला कर देगा पीछे से और पूरे मैदान पूरी तारीफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा मैदान है, पूरे काफिला है। दोस्तों आप जब भी आए, ये तो मुख्तसर वीडियो है लेकिन आप तारीख की किताबें ज़रूर पढ़ें। ये कस्बे बहुत अहम जंग है जो मुसलमानों को बहुत सबक सिखाती है। हमें अपने अमीर की इताअत करना चाहिए, इसका मेन दर्स है। अस्सलाम वालेकुम। जाकर शुक्रन। सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, पूरे पहाड़ है, छोटी है, पूरा पहाड़ है, पूरी तारीख पर सत्या।